हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अपने क्लास 9th NCERT मैथ्स के बहुपद के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.3 के परिचय के बारे में जानेंगे। बच्चों, इसके पहले हमने आप लोगों के साथ प्रश्नावली 2.1 और 2.2 अच्छे से डिस्कस कर लिया है, उसके PDF भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, साथ ही साथ उसके वीडियो भी आपको मैंने प्रोवाइड कराया है विद सॉल्यूशन। तो अगर आप लोगों ने उन सारी वीडियोस को नहीं देखा है, PDF अभी तक आप लोगों को नहीं मिला है, तो उसको फटाफट से देख करके नोट कर लीजिए और JPIC डिजिटल स्टडी पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वहां पर आपके क्लास 9th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के अपने सारे पुराने वीडियोस को भी आप लोग देख सकते हैं। वैसे ही चैप्टर फर्स्ट भी हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस समय हम लोग अपना चैप्टर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है बहुपद। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 के परिचय के बारे में सीखेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम मेनली जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है शेषफल प्रमेय। क्या नाम है? शेषफल प्रमेय, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। आइए हम लोग समझते हैं कि शेषफल प्रमेय अर्थात रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और इसका हम लोग कहां पर यूज करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, क्लास 8th में आप लोगों ने भाग देना सीखा है, बहुपदों का भाग देना आप लोगों ने सीखा है। अगर मान लीजिए आप लोगों ने नहीं सीखा है, तो मैं आपको सिखाता हूँ पहले किसी बहुपद को किसी बहुपद से कैसे भाग देते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ये भी सीखेंगे कि शेषफल प्रमेय क्या है और उसका किस तरह का यूज़ हमारे सिलेबस में होने वाला है। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले बच्चों। मान लो x³ + x² ठीक है, +5x और प्लस में बच्चों सपोज कर लीजिए 5 आपको यहाँ पर गिवन है, और इसको हमने कहा कि भैया इसको आप x+1 से भाग दे दीजिए। किसे भाग दिए सर? x+1 से आप इसको डिवाइड करिए। एक बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से बच्चों हमें क्या करना है? भाग देना है। तो भाग कैसे दिया जाता है पहले आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करिए, क्योंकि आप लोग क्लास 8th में इसको सीखे भी हैं, नहीं सीखे थे वहां पर, तो हम सिखा रहे हैं, सीखिए। बच्चों, जब हम किसी भी बहुपद को किसी बहुपद से भाग दे रहे, तो उसमें हमें ध्यान क्या देना होता है? जिसको भाग दे रहे हो उसका पहला पद देखते हैं और जिससे भाग दे रहे हैं बच्चों उसका पहला पद देखते हैं। यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x है, आपको सोचना होता है कि x को किससे गुणा करें कि x³ आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप x² से x को गुणा करोगे तो x³ यहाँ पर आ जाएगा। बस दूसरा पद हमें यहाँ पे नहीं देखना होता, केवल पहला पद देखेंगे, बाकी सारा काम अपने आप सेट होता चला जाएगा। अब इस x² से बच्चों x+1 में पूरे में गुणा करेंगे, मतलब इस x² का गुणा x+1 में माने पूरे में होगा। इसका गुणा होगा तो x³ आएगा, प्लस इसके साथ होगा तो बच्चों कितना आ जाएगा? x² आ जाएगा। तो करिए, यहाँ पे आएगा x³ और प्लस बच्चों कितना? x² यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये देखो x³ से x³ कैंसिल हो गया, ठीक है, हमेशा इसके बाद इसको माइनस किया जाएगा, घटाया जाएगा, और ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर पूरे पद एक साथ नीचे आएंगे, 5x और +5 बच्चों पूरा का पूरा एक साथ नीचे, इसमें एक एक पद नहीं उतारते हैं भाग की तरह, इसमें सारे पूरे पद को एक साथ यहाँ पर उतार लिया जाता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, यहाँ x है बच्चों, यहाँ 5x है, किससे गुणा करोगे? 5 से ना। अगर हम इसको 5 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 5x आ जाएगा, तो हम x+1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। यहाँ लिखेंगे बच्चों 5 और यहाँ क्या लिखेंगे हम? x+1। मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आएगा 5x और प्लस में कितना? 5। चलो करो भाई, कितना आएगा यहाँ पर? 5x + 5 आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब देखो 5x से 5x कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपको कितना प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हो गया। इस तरीके से किसी बहुपद को हम किसी बहुपद से भाग देते हैं, काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चों, जिससे हम भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, भाजक। और यहां पर भाजक को बच्चों gx से दिखाया जाएगा, तो यहां पर भाजक कितना था? x-1 था, ठीक है। और बच्चों अगर हम भाज्य की बात करें, भाज्य को सदैव हम लोग यहाँ px दिखाएंगे, और वो कितना था? x³ + x² + 5x + 5, ये भाज्य है। और भागफल जो आया है बच्चों, भागफल को इंग्लिश में क्वेश्चन कहते हैं, इसलिए इसको qx से दिखाया जाता है। तो qx बच्चों आपको यहाँ पे कितना मिला है? देखो x² + 5 यहाँ पर qx है। rx यहाँ पर जो होगा उसको शेषफल कहते हैं, शेषफल को सदैव बच्चों हम क्या करेंगे? rx
से दिखाएंगे। तो आर एक्स इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ है, जीरो प्राप्त हुआ है। इस तरीके से एक बहुपद को दूसरे बहुपद से हम भाग दे करके भागफल और शेषफल की अवधारणा को समझते हैं, भागफल की और शेषफल की अवधारणा को हम लोग समझते हैं। आइए धीरे धीरे हम लोग टॉपिक की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी किसी भाज्य को किसी भाजक से भाग देते हैं, जैसे मान लो 15 को हमने 2 से भाग दिया बच्चों, तो 2 सत्ता 14 होगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब आपको पता है इसको हम बच्चों क्या कहेंगे, भाजक कहेंगे ना, इसको हम भाजक कहेंगे, इसको हम लोग भाज्य कहेंगे, इसको हम लोग भागफल कहेंगे, ठीक है। और ये जो निचवा आएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे, जानते हैं आप लोग। और इसके साथ साथ ये भी आपको पढ़ाया गया बच्चों, जब हम कोई भी भाग की प्रक्रिया वास्तविक संख्याओं के लिए करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है बच्चों भाजक गुणे भागफल, और धन बच्चों किसके, शेष फल के बराबर होता है, ऐसा आप लोगों ने सीखा है। तो यह जो कंडीशन आपके सामने दिख रही है, जो वास्तविक संख्याओं के लिए हम लोगों ने सीखा है बच्चों, वह चीज़ बहुपदों के लिए भी फॉलो होती है। अर्थात अगर हमने भाज्य को पी एक्स लिया है तो पी एक्स और भाजक को हमने यहाँ पर जी एक्स दिखाया है, इंटू भागफल जो है बच्चों हमारा क्यू एक्स था, और शेषफल जो था वो हमारा कितना था, आर एक्स था। इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हुआ, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इस तरीके से हमें रिलेशन मिल जाता है जो बहुपदों के लिए भी क्या है बच्चों, सत्य है, ठीक है। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल और करते हैं, और धीरे धीरे आपको हम शेषफल प्रमेय की तरफ लेकर के चलते हैं, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी यहाँ पर जो एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने किया बच्चों, इससे काफ़ी हद तक आपको समझ में ये आया होगा कि हम किसी बहुपद को किसी बहुपद से कैसे भाग देते हैं, और भाग दे करके भागफल और शेषफल को हम लोग किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए, मान लो कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, और इसको बोलते हैं बच्चों कि x माइनस वन से भाग दीजिए, और भाग देने के पश्चात भागफल और शेषफल बताइए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारा यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन को x माइनस वन से डिवाइड करना है, भाग देना है, भाग देने के पश्चात हमें भागफल और शेषफल बताना है। भाग की प्रक्रिया को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, कितनी बार लिख जाओगे बच्चों, देखो यहाँ एक्स है और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई कराओगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाए, तो सिंपल सी बात है कि एक्स से, तो आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस बच्चों एक्स, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये भाई साहब नहीं रहे, कैंसिल हो गए। अब सुनो, यहाँ बच्चों आपको मिलेगा कितना, ध्यान देना क्या मिलेगा, माइनस, देखो अब ये वाला साइन नहीं देखा जाएगा इसके लिए, ये वाला साइन, तो मतलब प्लस एक्स और माइनस टू एक्स, तो माइनस एक्स आया और प्लस वन नीचे आ जाएगा। अब सोचो इसको किससे गुणा करें, एक्स को यहाँ पे माइनस एक्स आ जाए, तो कितने से, माइनस वन से करेंगे, माइनस वन से जब करोगे बच्चों कितना आएगा, माइनस एक्स आएगा और यहाँ प्लस वन आएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये दोनों भाई साहब फिर से क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये भाग की प्रक्रिया क्या हुई, संपूर्ण हो गई। और आपसे पूछा गया था कि भैया भागफल बताओ, तो भागफल क्या बता देंगे आप लोग, भागफल एक्स माइनस वन आएगा। शेषफल बताओ भाई, शेषफल कितना आ गया सर, जीरो आ गया। भागफल को हम किससे दिखाते थे, क्यू एक्स से दिखाते थे, शेषफल को आर एक्स से दिखाते थे। ये भाग की प्रक्रिया समाप्त हुई, और हमने इस भाग की प्रक्रिया की सहायता से भाग दे करके भागफल और शेषफल को ज्ञात किया। अब बात करते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या है बच्चों। देखो, शेषफल प्रमेय की सहायता से हम किसी भी बहुपद को जब किसी बहुपद से भाग देते हैं तो डायरेक्ट हम लोग शेषफल को ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सा मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। जैसे मान लो x माइनस a बच्चों हमारे पास एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब यह है कि इसमें जो चर राशि उसकी घात कितनी लगी हुई है, एक लगी हुई है, और हमारे पास कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास सपोज कर लीजिए कोई द्विघात बहुपद है। हम इस रैखिक बहुपद से इस द्विघात बहुपद को भाग देते हैं, और भाग देने के पश्चात बच्चों हमें शेषफल ज्ञात करना है, तो दो तरीका है। एक तरीका यह है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए आप इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दीजिए, जो नियम है उसके तहत, तो आपको शेषफल और भागफल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका शेषफल प्रमेय है। शेषफल प्रमेय कहती है कि x माइनस a को 0 के बराबर करो, और x बराबर a जो आपको प्राप्त होगा वही मान ले जाकर के इसमें रख दो, आपको डायरेक्टली शेषफल प्राप्त हो जाएगा।
समझिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को करके दिखाते हैं। अभी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपने देखा बच्चों की शेषफल कितना आया है, जीरो आया है। तो देखिए कैसे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन को आपने भाग दिया था किससे, x माइनस वन से भाग दिया था और शेषफल आपको कितना प्राप्त हुआ था, जीरो प्राप्त हुआ था। तो हमने आपको बताया कि जब आपको शेषफल निकालना है, कौन सा फल निकालना है, शेषफल, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग शेषफल के लिए इस x माइनस वन बराबर जीरो माने x बराबर एक रखने पर, ऐसा सिंपल सा लिखेंगे दिए गए बहुपद में x बराबर एक रखने पर। सपोज कर लीजिए बच्चों ये जो बहुपद था हमारा ये px था, तो हमें इस बहुपद का मान एक पर निकालना है। तो p1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन और प्लस में बच्चों यहाँ हो जाएगा वन, ठीक है। तो p1 इक्वल टू यहाँ आएगा वन माइनस टू प्लस वन, तो p1 इक्वल टू यहाँ मिलेगा वन प्लस वन बच्चों टू माइनस टू इज इक्वल टू, देखो शेषफल हमें फिर भी जीरो मिला जब हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ किया था। इन दैट केस भी हमको जो शेषफल था वो शून्य प्राप्त हो रहा था। जब हमने शेषफल प्रमेय का प्रयोग किया तो उस कंडीशन में भी बच्चों हम लोगों को शेषफल कितना प्राप्त हुआ, जीरो प्राप्त हुआ। यही हमारी शेषफल प्रमेय है। तो अभी बच्चों वीडियो को पास करके इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, देन हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं शेषफल प्रमेय के और भी ज्यादा अनुप्रयोग के बारे में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। आइए बच्चों की एग्जाम्पल करते हैं जिसकी हेल्प से हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपके सामने यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस टू को एक्स प्लस टू से डिवाइड करना है, भाग देना है। भाग देने के पश्चात आपको भागफल और शेषफल बताना है, ठीक है। कौन कौन सा फल बताना है, भागफल और शेषफल दोनों का दोनों आपको बताना है। तो दो तरीका है, देखो भाई शेषफल प्रमेय से हम केवल शेषफल बता सकते हैं, भागफल नहीं बता सकते हैं। बट आपके सिलेबस में शेषफल के बारे में ही डिस्कस किया गया है, आपको बता दें क्लास टेंथ में भी बच्चों आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं, लंबी भाग प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं और उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से भागफल और शेषफल को प्राप्त करते हैं। देन हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके डायरेक्टली शेषफल को भी ज्ञात करें। क्वेश्चन को ऐसा बना लीजिए कि आपको इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दे करके शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं बच्चों। तो हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स और प्लस टू, इसको बच्चों हम लोग भाग देने वाले हैं x प्लस टू से। भाग देने की प्रक्रिया मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों के साथ डिस्कस इसलिए करना चाह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि जितना ज़्यादा एग्जाम्पल आप लोग करेंगे उतने अच्छे से कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो सोचो सोचो भाई कि हम कितनी बार लेके जाएंगे एक्स स्क्वायर, ना जब एक्स स्क्वायर टाइम करोगे आप लोग तभी तो काम बनेगा। चलो इधर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तभी एक्स क्यूब आएगा। तो उस एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कराइए एक्स क्यूब आएगा प्लस बच्चों टू एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अब देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब भाई साहब नहीं रहे, कैंसिल हो गए ना। तो फाइव एक्स स्क्वायर में से देखो ये वाला साइन मत देखना, ध्यान देना ये वाला साइन देखा जाएगा। फाइव एक्स स्क्वायर में से टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस टू। अब कितनी बार ले जाओगे भाई, थ्री एक्स स्क्वायर चाहिए तो थ्री एक्स टाइम लेके जाइए। यहाँ पर बच्चों अगर आप थ्री एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हो इसको तो आपको कितना मिल जाएगा, थ्री एक्स का स्क्वायर और प्लस में तीन दुना छः सिक्स एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस भाई साहब नहीं रहे। इलेवन एक्स में से सिक्स एक्स माइनस हुआ बच्चों कितना बचा, फाइव एक्स और प्लस का कितना बच गया, टू बच गया। सर अब कितने टाइम लेके जाएंगे, तो सिंपली अब हम लोग लेके जाएंगे फाइव टाइम्स, ठीक है। फाइव टाइम्स पाँच बार लेके जाओगे, गुणा करोगे, यहाँ पर आएगा बच्चों पाँच एक्स और धन पाँच दुना दस, माइनस माइनस ये भाई साहब कैंसिल हो गए, यहाँ बच्चों आपको कितना मिल गया माइनस एट। तो जब हमने इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ किया तो फाइनली हमें जो शेषफल प्राप्त हुआ है देखते हैं कितना मिला है। शेषफल मीन्स आर एक्स जो मिला है वो हमें कितना मिला है बच्चों, माइनस एट मिला है लंबी भाग प्रक्रिया का प्रयोग करने पर। अब हम क्या करेंगे, शेषफल को ज्ञात करेंगे डायरेक्टली, भाग नहीं करेंगे, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, शेषफल को ज्ञात करेंगे। बच्चों देखो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो शेषफल के लिए दिए गए बहुपद में x प्लस वन इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट
एक्स इक्वल टू माइनस टू रखने पर, दिए गए बहुपद में बच्चों हम कितना रखेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस टू ले जा करके रखेंगे, ठीक है। तो चलो निकालो भाई, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो हमें शेषफल मिलेगा, शेषफल वो किसके इक्वल होगा बच्चों, पी माइनस टू के इक्वल होगा। अभी जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ हमें क्या रखना होगा, माइनस टू रखना होगा। यहाँ पर आप लिखोगे माइनस टू की पावर थ्री और प्लस फाइव इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस 11 इंटू माइनस टू और प्लस में बच्चों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है। अब माइनस टू की पावर 3 करोगे तो माइनस 8 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 4, तो लिखेंगे यहाँ 5 इंटू में 4 हो जाएगा। देखो ध्यान से 5 इंटू 4 हो जाएगा और माइनस में 11 दुना 22, माइनस में प्लस 2, ठीक है। चलो ठीक है, करते जाओ, ये माइनस वाला एक साथ कर लो, माइनस 8 और माइनस 22 मतलब माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 5 चौक 20 और 2 22, देखो माइनस करोगे बच्चों तो माइनस 8 ही आपको प्राप्त होगा, जो कि आप यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, शेषफल प्राप्त हुआ। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों, ऑलरेडी आपको क्लियर हो गया होगा। देखो इस मेथड से जब हमने शेषफल को ज्ञात किया तब भी शेषफल उतना ही आया, और इस शेषफल प्रयोग प्रमेय का प्रयोग करके हमने शेषफल को ज्ञात किया बच्चों तो तब भी शेषफल माइनस 8 ही आया। तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें आपको भाग नहीं देना है, और इसी मेथड से आपको सवाल लगाने के लिए बोलेगा भी, जब कहेगा शेषफल प्रमेय के प्रयोग करते हुए जब हम इस बहुपद से इस बहुपद को भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा ये बताइए, बट शेषफल प्रमेय का तो आपको उसी तरीके से लगाना होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आपसे कह रहा है कि भैया एक बहुपद है जिसको हम 2x प्लस 1 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा, तो आप क्या करोगे इसको बच्चों, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो 2x इक्वल टू माइनस 1 आएगा, तो x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 आएगा, तो x बराबर माइनस 1/2 उस बहुपद में रखा जाएगा। x बराबर माइनस 1/2 जब उस बहुपद में हम रखेंगे बच्चों तो हमें आसानी से क्या होगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो काफ़ी आसान आपको लग रहा होगा, अभी आप वीडियो को पास करके बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देन हम आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम और डिस्कस करते हैं तो आप लोगों को शेषफल प्रमेय आसानी से क्लियर हो जाएगा। शेषफल प्रमेय क्या है, जब हम किसी बहुपद को किसी बहुपद से भाग दें किसी रैखिक बहुपद से और हमें डायरेक्ट शेषफल चाहिए हो तब हम लोग वहां पर शेषफल प्रमेय को अप्लाई करते हैं। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास बच्चों एक बहुपद दिया है px और दूसरा बहुपद दिया है हमारे पास gx, ठीक है। हमें करना क्या है, इस बहुपद px को इस बहुपद gx से भाग देना है और हमें शेषफल प्राप्त करना है। तो दो तरीका है आपके पास यूजुअली, जैसे भी हमने किया। नंबर पहला तरीका है कि हम इसको भाग दें, जो अब हम करने वाले नहीं हैं। भाग की प्रक्रिया अब आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी, आगे चल के आपके लिए यूज़ भी होगी, इसलिए कई सारे एग्जांपल आपकी बुक में दिए गए हैं, उनसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं दूसरी विधि जो है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस विधि में बच्चों हम लोगों को करना क्या होगा, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे शेषफल के लिए, ध्यान देना शेषफल के लिए बच्चों, लिखेंगे शेषफल के लिए px में ठीक है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1/2 रखने पर, ध्यान समझिए यही तो रखना पड़ेगा। जब बच्चों आप यहां पर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो 2x इज इक्वल टू आपको 1 मिलेगा एंड x इज इक्वल टू आपको यहां से 1/2 जा करके प्राप्त हो जाएगा। अब यही x इज इक्वल टू 1/2 जो आपको दिख रहा है यही ले जा करके इस बहुपद में रखिए तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा जब हम उस बहुपद से इस बहुपद को भाग देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, लिखेंगे बच्चों शेषफल बराबर p 1/2, ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, और माइनस में 4 इंटू 1/2 प्लस में 1 होगा तो 4 इंटू बच्चों 1/4 आएगा, माइनस 2 जा 4, चलो यहाँ 2 आ गया प्लस में 1 आ गया। सॉल्व करेंगे आसानी से, देखिए क्या हम लोगों को यहाँ से प्राप्त होने वाला है, आराम से सिंप्लीफाई करते चलिएगा।
जब करेंगे बच्चों देखो यहाँ से 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ बचा 1 माइनस 2 प्लस 1, प्लस 1 प्लस 1 कितना प्लस 2, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अर्थात शेषफल जो हमें प्राप्त हुआ इस प्रोसेस के पश्चात वो शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 0 प्राप्त हुआ है। क्लियर हो गई बात। अगर आपको विश्वास अभी नहीं हो रहा है तो एक काम करिएगा, इस 4x² माइनस 4x प्लस 1 को आप 2x माइनस 1 से भाग दीजिएगा और उस सिचुएशन में देखिएगा कि आपको तब भी जो है शेषफल बच्चों वो 0 ही प्राप्त हो जाए होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अब शेषफल प्रमेय समझ में आ गया होगा। लास्ट में हम छोटा सा कंक्लूजन आपके सामने रखना चाहेंगे, उसको आप समझ लेंगे तो आपके लिए और ज्यादा यूजफुल होगा। अभी आप वीडियो को पास करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए बताते हैं बच्चों, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी दिए गए बहुपद को x प्लस a से भाग देकर के शेषफल निकालना चाहते हैं तो उसमें हमें x बराबर माइनस a रखना पड़ेगा। कैसे करते हैं, उसको 0 के बराबर करके हम x का मान वही निकाल लेते हैं ना। अगर मान लो x माइनस a टाइप का उससे भाग देते हैं तो x माइनस a बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हमें उसमें प्लस a रखना पड़ेगा। ए एक्स प्लस बी टाइप का है बराबर 0 करोगे तो ए एक्स बराबर माइनस बी मिलेगा, x बराबर माइनस बी बाई ए रखना पड़ेगा। और बाकी तो आप लोग इसको समझ लिए, जैसे मान लो ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा बच्चों, ए एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू क्या होगा बी बाई ए हो जाएगा। इस तरीके से क्लियर है बात है ना। तो अलग अलग टाइप की कुल मिलाकर के जब किसी रैखिक बहुपद से किसी बड़े बहुपद को आप भाग दोगे तो क्या करोगे, शेषफल को ज्ञात करने के लिए उस रैखिक बहुपद को 0 के बराबर करके x का मान निकाल लोगे, वही मान लीजिए अगर कि उस दिए गए बहुपद में रख दोगे तो आपको आसानी से शेषफल प्राप्त हो जाएगा। यही शेषफल प्रमेय है, कल मैंने आप लोगों को इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया था। तो अभी कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि आपने वीडियो के माध्यम से भी समझ लिया और पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था। तो दोनों चीजों को समझते हुए बच्चों अपनी नोट्स में इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग साइज 2.3 ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, अगर आप लोग चाहेंगे तो उसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम तो सॉल्व कराएंगे ही, उसका पीडीएफ भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आशा करते हैं कि बच्चों आपको क्लास 9th में मैथ्स पढ़ने में मजा आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। घर पर रहते हुए आप आनंद लीजिए, ऐसे पढ़ते रहिए, शानदार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।